यूपी के प्रयागराज से, जहां मुख्यमंत्री की जनसभा में विधान परिषद सदस्य निर्मला पासवान ने भरी हुंकार। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां आज मुख्यमंत्री की जनसभा में विधान परिषद सदस्य निर्मला पासवान ने भरी हुंकार और जय श्री राम के नारे से गूंज उठा सिकंदरा का मैदान। बता दें, फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रवीर सिंह पटेल के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फूलपुर लोकसभा के सिकंदरा में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि माफियाओं को भाजपा सरकार ने मिट्टी में मिलने का काम किया है। तो वही विधान परिषद सदस्य निर्मला पासवान ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देश की जनता को सभी योजनाओं से लाभ दे रहे हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, आवास हो, सभी योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से 400 पार के नारे को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे और फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रवीर सिंह पटेल भारी मतों से विजयी होंगे। वहीं ब्लॉक प्रमुख सुराव ने कहा, जनता का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और हम लाखों वोट से प्रवीर पटेल को जिताने का काम करेंगे। देखें मनोज सिंह की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी इस समय हैं प्रवीण पटेल जी, आज की रैली देख के ये लग रहा है कि हम लोग काफ़ी लाख दो लाख मतों जीतेंगे। फूलपुर लोकसभा लाख दो लाख मतों जीतेंगे। और बगल में ही जैसे अमरनाथ मौर्य जी के रैली भी थी, यहाँ अखिलेश जी भी आए थे, वहाँ पे इतना तोड़ फोड़ हो गई, वहाँ पे सब सारे मतदाता सब गाली दे के भगा दिए। ये इसका जीता जागता सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर
400 पार होने जा रही है, हम लोगों का दावा है। हम लोग ये देख रहे हैं, जन जन तक संपर्क बनाए रखे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों के विकास के कार्यों के ऐसा कोई गांव का कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास न किया गया। शंभू पटेल ब्लॉक प्रमुख सराव पर दीपासी भीड़ भी थी, क्या कहेंगे? इस भीड़ को देख के तो लगता है 400 पार है और प्रवीण भाई बहुत ज़्यादा मतों से जीत रहे हैं और माननीय योगी जी आए हैं तो आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो गया है। अब MLC हैं और यहाँ का आप इस तरह से आयोजन भी सारी व्यवस्था में भी किस तरह से लोगों का समर्थन दिख रहा है, जिस तरह से आप जनसंपर्क यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए हमारे जितने लोग चाहे प्रमुख कह लीजिए, चाहे भाई कह लीजिए, चाहे इधर मंडल अध्यक्ष कह लीजिए, चाहे जितने लोगों को आप देख लीजिए, सबको कह दीजिए, देख लीजिए, सारे के सहयोग से और सबका साथ सबका विकास को लेते हुए सारे हमारे भाजपा का ही एक एक कार्यकर्ता, वो कार्यक्रम खाली प्रवीण पटेल जी का नहीं था, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का था और वो हम भाजपा के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था, इसलिए सफलतापूर्वक हुआ। 400 पार करेंगे, विपक्ष कह रहा 200 भी नहीं मिलेगा। विपक्ष पहले अपना देखे, विपक्ष तो कहीं दिखाई नहीं देता है और विपक्ष देखे कि वो कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 273 का आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए और कोई भी 273 पे नहीं लड़ रहा है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 273 के ऊपर लड़ रही है और सरकार हम बनाने जा रहे हैं और बन चुकी है। यूपी में कितनी सीटें आएंगी? यूपी में अभी 80 की 80 आएंगी। निर्मला पासवान MLC उत्तर प्रदेश काशी क्षेत्र भाजपा उपाध्यक्ष।